हाय गाइस, दिस इज प्रियंका गुप्ता। आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरलॉकिंग मेथड की। इंटरलॉकिंग मेथड ऐसा मेथड है जो आपकी मदद करेगा आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में। सो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कई बार लोगों की क्वेरीज आती है, क्लाइंट्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें उनके ऊपर काम नहीं करती हैं। उसका रीज़न होता है उनके हिडन निगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, लिमिटिंग बिलीफ्स, या उनके भीतर एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो जिस रियलिटी में रहने लगते हैं उससे एक अटैचमेंट आ जाता है और उससे बाहर आना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। स्पेशली एडिक्शन के केस में, कि अगर कोई इंसान स्मोक कर रहा है तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि एक समय पर उसकी बॉडी क्रेविंग आ जाती है कि मुझे ये चीज़ लेनी है। या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम फिर से क्रिटिसाइज़ करें या विक्टिम मोड में चले जाएं, या हम उस रियलिटी में ही जिए जो हमारी करंट रियलिटी है। इस तरीके से हम लेट गो नहीं कर पाते और जीवन में जो चीज़ें हम चाहते हैं उनको हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आप इंटरलॉकिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हम मंत्रों को स्विचवर्ड से इंटरलॉक कर देते हैं, या दो तीन मंत्रा जो सेम बेनिफिट देते हैं हम उनको कनेक्ट कर देते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं। सो आप क्या करते हैं, आप एक मंत्र का चैंट करते हैं। मान लीजिए आपने चैंट किया श्रीनिवास अरविंद लोचन। ये मंत्र क्या होता है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करता है। तो आपने श्रीनिवास अरविंद लोचन मंत्र का 108 बार जाप किया। उसके बाद जो आपका मैनिफेस्टेशन मंत्र है, ओम सत्यम नारायणम या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जो भी मंत्र आप चाहते हैं आप उसका चैंट करें। फिर से आप लास्ट में 108 बार श्रीनिवास अरविंद लोचन, श्रीनिवास अरविंद लोचन मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई एक स्विच वर्ड ले लें। जैसे एग्ज़ाम के सक्सेस के लिए आपने अंबिका मंत्र ले लिया, तो अब आप अंबिका अनाधि निधाना अश्वरूदा अपराजिता मंत्र को 108 बार चैंट करेंगे। उसके बाद आप एक स्विच वर्ड चैंट करेंगे, स्लो केयर है या चेंज डिवाइन ऑर्डर, जैसी आपकी सिचुएशन है उससे रिलेटेड आप एक स्विच वर्ड को 108 बार चैंट करेंगे। फिर उसके बाद आप अंबिका अनाधि निधाना अश्वरूदा अपराजिता, इस तरीके से आप उस मंत्र को 108 बार फिर जाप करेंगे। तो ये क्या करता है, इंटरलॉक कर देता है। एक बर्गर की तरह, जैसे बर्गर में पहले ब्रेड होती है, फिर पैटी होती है, फिर ब्रेड होती है, ठीक उसी तरह से आपका बर्गर बन गया स्पिरिचुअल बर्गर, जो आपकी मैनिफेस्टेशन में मदद करेगा। आप अगर चैंट नहीं करना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे 21 बार आपने अंबिका मंत्र लिखा, फिर 21 बार आपने स्विच वर्ड लिखा, उसके बाद फिर से आपने 21 बार उस मंत्र को, अंबिका मंत्र को फिर से लिख दिया, और ऊपर स्टार्टिंग में आपने लिख दिया कि थैंक यू डिवाइन फॉर मैनिफेस्टिंग दिस ड्रीम जॉब और वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि रिलेशनशिप के लिए अलग मंत्र स्विच वर्ड होते हैं, जॉब के लिए अलग मंत्र स्विच वर्ड होते हैं, हीलिंग के लिए अलग मंत्र और स्विच वर्ड होते हैं, जिनके लिए आप मेरे चैनल पर बनाए गए वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं, और आगे भी मैं इनसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जैसे कई बार होता है एक दवा हमको फ़ायदा नहीं करती तो डॉक्टर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दे देता है कि वो तीनों एक चीज़ साथ ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। ठीक उसी तरह से मंत्रा मेडिसिन में भी यही चीज़ है कि यहाँ हमने कंबाइन कर दिया, तो हो सकता है जो अंडरलाइन बिलीफ सिस्टम्स हैं, निगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको एक मंत्र क्लियर कर दे, और फिर जो आप मैनिफेस्ट करते हैं उसका स्विच वर्ड और मंत्र उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, आपकी ज़िंदगी में लाने में आपकी हेल्प करें। तो आप इस टेक्निक का ज़रूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।